हमको चाहिए कि कुदरत से अपने रابطے फिर से उस्तवार करें। शहरों की जिंदगी में ये काम ज़रा दुश्वार होता है। यहाँ पहाड़ों, वादियों और झरनों के बीच शफक के रंगों का मिजाज ही कुछ और लगता है। शफाफ फिजा में सब्जे की चमक हवा की खुनकी से और तेज लगने लगती है। फिर बादलों की धुंध आकर अचानक के सब में पुरसरारियत का जादू भर देती है। कुदरत से इस नौयत के राब्ते फनकाराना महसूसात को जिला बख्शते हैं, इनको उभारते हैं। अचानक हमें नजर आने लगता है कि हवा के दोष पर लहराती हुई दरख्तों की शाखें दरअसल कायनात की ताल पर महवे रक्स हैं। ये झूमता हुआ वालेहाना रक्स अचानक नमूदार होने वाले बादलों के टुकड़ों में भी महसूस किया जा सकता है। यानी बात है महसूस करने की। फनकार के हसास जहन की तहों में किसी पर्दे पर अनोखे और हसीन लम्हात का अक्स तमाम तर रानाइयों के साथ जिंदा रहता है, और फिर किसी दिन ये कामयाब फनकार इनको अपने हुनर के जरिए आश्कारा करता है। ये एक तिलिस्माती कैफियत होती है और यही फन की मेराज है। एक आर्टिस्ट की जिंदगी में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है। तुमने आदर साहब की क्लास मिस की? हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक आर्टिस्ट को हसास होना चाहिए। आर्टिस्ट अगर हसास हो तभी उसके काम में वो सब कुछ दिखाई देता है जो वो महसूस करता है। हाँ, ये तो है। एक हसास फनकार हर अछूती चीज़ अपने जहन में ताज़ा रखता है, और जब उसे कैनवस पर मुंतकिल करता है उसमें वही ताजगी होती है। लाला, कौन थी ये? कोई बुढ़िया थी, आज़र साहब को पूछ रही थी, कह रही थी तस्वीर बनवानी है। तस्वीर बनवानी है? अम्मा, अम्मा किसकी तस्वीर बनवानी है? मेरी अपनी। तुम कहाँ थे? बाहर था, लॉन में आसम और आमना एक बूढ़ी औरत को स्केच कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? मैं वो कल आज़र साहब की ऑडियो क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये तो मेरी तस्वीर नहीं है। नहीं, ये भी मैं नहीं। ऐसी तस्वीर तो मुझे नहीं चाहिए। कहा था मास्टर से मिलवा दो। यही मजा है आज़र अंकल की क्लास का, आउटडोर पेंटिंग। अजय, तुम लोग तो अभी फर्स्ट ईयर हो ना? अभी तो पूरा साल बाकी है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा शो मत मारो दोनों के दोनों। अच्छा, मुझे आज़र साहब से तो मिलवाओ ना,
I really want to meet him. Yahi kahin honge? Wo rahe mausoof, tumhare painter uncle. Are? Ye to ruk gaye. Ye aise hi hain. Abhi bhi kuch kaha nahi ja sakta ki yahan kab pahunchenge. Kya matlab? Matlab ye ki chalenge to mino paidal aur rukenge to barson tehre rahenge. Fitrat mein gum. Well, I think he's really smart. Chalo na Muneeb, mujhe milwao to sahi. Chalo. Assalamualaikum sir. Waalaikum salam Muneeb. Kaam kaise ja raha hai? Bilkul theek sir. Sir, ye bachiyan hain, art school mein mere saath padhti hain. Aap bhi badi fan hain. तुम्हें कभी क्लास में नहीं देखा सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ अगले साल आऊँगी सर आपसे सीखने की इनको बहुत जल्दी है अच्छा तुम जब भी चाहो सीख सकती हो चाहो तो अभी इसी वक्त इस काम के लिए क्या चाहिए मुशाहिदा उस चीज़ का जिसका रंग करना हो वो चीज़ें जिनसे रंग करना हो यानी रंग और ब्रश और वो चीज़ जिस पर रंग करना हो यानी कैनवस सभी चीज़ें तो मौजूद हैं क्यों मुनीब यस सर सर लेकिन आपसे ये स्टूडियो में सीखना चाहती हैं अच्छा ऐसा क्यों नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो बस ये कह रही थी कि अच्छा काम स्टूडियो में भी हो सकता है सर आप मुसव्वरी को कैसे डिफाइन करते हैं मुशाहिदे का दूसरा नाम इन मनाजर को देखो क्या ये तुम्हें मुशाहिदे की दावत नहीं दे रहे सही मानों में तस्वीर कशी कोई आसान काम नहीं हर फन शुरू में मुश्किल होता है बस मुशाहिदे की बात है अगर मुशाहिदा गहरा हो तो उसका असर काम में भी दिखाई देता है बिल्कुल जीता जागता इसी मंजर की तरह लेकिन स्किल्स तो स्टूडियो में भी डेवलप हो सकते हैं पहले पहल ये होता था कि जो लोग मुसव्वरी की तालीम हासिल कर रहे होते थे वो ट्रैवल बहुत करते थे सहरा दरिया पहाड़ समंदर जगह जगह घूमते मौसमों को करवट बदलते देखते और भांत भांत के लोगों से मिलते और उनका मुशाहिदा करते और यही कुछ उनके काम में भी दिखाई देता है सर आप भी बहुत घूमे होंगे बहुत घूमा बहुत लोगों से मिला मेरा ख्याल ये है कि चारों तरफ से बंद उस डब्बे में जिसे आप स्टूडियो का नाम देते हैं काम सीखा नहीं जा सकता देखा मैं कह रहा था ना तुमसे ओ जैन ने गाड़ी में सामान रख दिया सर पहले कहीं चाय पीते हैं फिर मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ हाँ सर आए ना चले पहले तालीम कम थी मुशाहिदा ज्यादा आजकल तालीम तो बहुत बढ़ गई है मगर इल्म घट गया है पहाड़ों में चले जाओ गारों में बने हुए हजारों साल पुराने संग तराशी और मुसव्वरी के जो शाहकार नजर आते हैं वो मुशाहिदे ही से तो वजूद में आए हैं अम्मा जी देख के अभी काम हो गया था बचत हो गई मुनीब ये वही औरत थी ना जो जिसे कल आसिम और आमना स्केच कर रहे थे पता नहीं है गाड़ी रोको
आज रात खुले आसमान के नीचे ही बसर होगी। तुम तो इससे आगे नहीं जा सकते। कुदरत मेहरबान है। कोई है? कौन है आप? क्या चाहते हैं? मैं तालिबेल्म हूँ। रात तारीख है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या ये मुमकिन है कि कुछ खाने का और रात गुजारने का इंतजाम हो सके? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अच्छा, अगर ये मुमकिन नहीं तो करीब में कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ से कुछ इंतज़ाम हो सके, या फिर कोई रास्ता दिखा दे। मैं उजरत भी देने को तैयार हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैंने रात के इस पहर आपको जहमत दी। मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा, आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि मुझे ये बता दें कि सही रास्ते की सिमत क्या है। मैं इस वक्त आपके दरवाजे का रुख किए खड़ा हूँ, दाएं या बाएं? मेरा ख्याल है बाएं ठीक रहेगा। शुक्रिया। ठहरिए। रात करवट ले चुकी है। इस अंधेरे में आपके लिए नामुमकिन होगा कि किसी महफूज जगह पहुंच जाए। रास्ता हर दर्जे दुश्वार है। मैं पानी लाती हूँ। जूते उतार दें, अंदर आ जाइए।
आइए बैठिए। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होता, ना कभी कोई मेहमान आते हैं, लेकिन मुझे आपका अंधेरे में अकेले सफ़र करना ख़तरनाक लगा, जबकि आप इलाके से सही तौर पर वाकिफ भी नहीं हैं। आप सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं। आप यहाँ अकेली हैं, मैं आपके लिए अजनबी, फिर आप इतनी मेहरबानी। मैंने किताबें कम पढ़ी हैं, लेकिन इंसान बहुत पढ़ रखे हैं। मुझे मालूम है आप यहाँ बेआराम रहेंगे, लेकिन मेरे पास यही कुछ है। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ, आपको यकीनन भूख लग रही होगी। मेरा नाम आज़र है, मुसव्वरी सीख रहा हूँ। फितरत को करीब से देखने के लिए सफ़र पर निकला था। आप इस इलाके की नहीं लगती, आपका लिबास, आपका लहजा, आपका ताल्लुक यकीनन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आप आराम कर लीजिए, मुझे कुछ काम करने हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ आराम से सोता रहूं और आप मेरी तरह से बेआराम रहें। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे वाकई कुछ काम करने हैं। आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बस आप सो जाइए।
मुझे माफ कर दें, मैं इस मंजर से नजरें नहीं हटा सका। आप जैसा रक्स करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। आइए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई और आप उठकर यहाँ तक आ गए। मैंने आपकी नींद पक्की होने का इंतज़ार किया था और ये भी कोशिश की थी कि रक्स धीमा हो। रात के इस पहर तन्हा इस जंगल में इस तरह आपको रक्स करते देखकर मैं... आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, है ना? मैं पागल नहीं हूँ। कौन है आप? सर, कौन थी वो औरत? मेरे ख्याल में मैं कई बरस पहले एक पुरसरार रात को मेरे ख्याल है ये वही थी। चलो आपसे और फिर कभी मिल सकती हूँ? श्योर श्योर, एनी टाइम। ये औरत का क्या चक्कर था? पता नहीं है। पेंटर अंकल इस वाक्य के बाद कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। कहीं उनका इस औरत से कोई अफेयर वगैरह तो नहीं? For God's sake, Zen. आसिम के तेरे आ रहा होगा सर, हमेशा की तरह टाइम पर। साहब से मिलना है। जाओ जाओ अम्मा, साहब घर पे नहीं है। क्या बात है अम्मा? तस्वीर बनवानी है। अभी उस दिन तो बनाई थी, पसंद ही नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, मुझे मास्टर से तस्वीर बनवानी है। मास्टर साहब फारिग नहीं है, बाद में आना। जाओ अम्मा, कहा था ना कि साहब घर पे नहीं है। मास्टर से मिलने नहीं देते? सर सॉरी सर, आज लेट हो गया। आज? Thank you.
मुनीब वही औरत। लेट आने के बावजूद सबसे ज्यादा नंबर आसिम की पेंटिंग को ही मिलने वाले हैं। वो कैसे? तस्वीर का मौजू ही देख लो। क्या? बच्चा और तितली। बच्चा तितली के पीछे भाग रहा है और तुम्हारे पेंटर अंकल। Behave yourself, Zain. उनकी उम्र तो देखो। सबो हम आसिम की पेंटिंग के बारे में अपनी सोच में वो सब पैदा करो जैन। You are training to be an artist. Have a larger vision of life. दो लोग बैक वक्त एक ही खिड़की से बाहर देखते हैं लेकिन दोनों को मुख्तलिफ मंजर नजर आते हैं। एक आसमान के सितारे देखता है और दूसरा जमीन की कीचड़। बैठो। शहर फ़न के उस बाज़ार से मेरा ताल्लुक़ था जहाँ अंधेरे के साथ ही धुनें फैल जाती थीं। Oh
मैं शहर की सबसे मशहूर रक्कासा थी। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं सबसे बेहतर थी, लेकिन लोग मेरे बारे में ये कहते थे कि जब मैं नाचती तो यूं महसूस होता जैसे कायनात मुतहर्रिक है। पैसे की रेल पेल थी, शोहरत थी, महल जैसा घर, नौकर चाकर, हर चीज़ मयसर थी। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, जब अंदर की औरत सो रही होती तो सब कुछ झेल जाती, लेकिन जब जागती तो बहुत सवाल करती। कहते हैं बेसवा और हवा दोनों अपना रुख बदलते रहते हैं, मगर मैं अपना रुख खुद मुतय्यन करना चाहती थी। और फिर एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बाजार शहर, यहाँ चली आई किसी को बताए बगैर, जब से अब तक यही हूँ। लेकिन ये रक्स किसके लिए? इसके लिए। यहाँ कौन है? जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मेरा शौहर। मोहब्बत का लफ्ज बहुत सुन रखा था, लेकिन मोहब्बत क्या होती है ये मैंने उससे मिलने के बाद जाना। सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया, यहाँ चले आए दुनिया से दूर, अपना एक छोटा सा घर बसा लिया। उसकी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात वो होते जब हर शाम को वो कोई धुन छेड़ता और मैं रक्स करती सिर्फ उसके लिए, हर शाम इसी जगह। मेरा रक्स देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जिंदगी की चमक। रक्स फन ही ऐसा है जिसमें झूठ शामिल नहीं। खुशी हो या गम, जो कैफियत अंदर वही बाहर, पूरी सच्चाई के साथ, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ जावियों में। हमारा साथ तो सिर्फ 4 साल तक रहा, मगर उस अरसे में ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। मरते वक्त उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई थी,
आप इस जगह को वीरान कहते हैं? आपने शायद किसी मरते हुए इंसान की आंखों में नहीं झांका। मैं रोज सुबह यहाँ पे ताज़े फूल चढ़ाती हूँ और शाम को रक्स करती हूँ उसके लिए। मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा है। शायद मैं सारी जिंदगी यही करती रहूँ उसकी आंखों की चमक के लिए। सूरज निकल रहा है, अब आपको चलना चाहिए। लगता है सर वापस नहीं आए। आज इस औरत का स्केच मैं बनाऊंगा। अम्मा अंदर आ जाओ। क्यों कर रहे हो ये सब? कल की बात भूल गए क्या? जरूरी है, जितनी देर में मैं उसे स्केच करूंगा आज़र साहब आ जाएंगे। अब उनकी मुलाकात इस औरत से हो जानी चाहिए।
कब कंप्लीट होगी यार? बस हो रही है। देख लेना, ये औरत तुम्हारी तस्वीर भी रिजेक्ट कर देगी। नो वे, तुम्हारा काम इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि तुम इसको भी बच्चों का खेल समझ रहे थे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा शो मत मारो, अभी पता चल जाएगा क्या तीर मारा है तुमने। खुद ही देख लेना, बस फाइनल टचेस रह गए। या ये लो, हो गया तैयार एक अजीम शाहकार। ये तो मैं नहीं हूँ। मुझे मास्टर से तस्वीर बनवानी है। कहाँ है मास्टर? मेरा मामूल वही रहा जो आपको पता है, मैं वही रही अपने घर में तन्हा। कमाई का कोई जरिया ना था, नौबत फाकों तक आ गई। जिसने कभी किसी का हाथ ना तका था उसका अपना दामन कशकोल बन गया। शहर वापस आई, किसी ने नहीं पहचाना, अफसोस नहीं हुआ? दुख इस बात का है कि बूढ़ी और कमजोर हो गई हूं, अब पहले जैसा रक्स नहीं कर सकती। वो रक्स जो मैं उसके लिए क्या करती हर रात। उन आंखों में अब हौलनाक वीराने हैं जो मेरे रक्स से मुनव्वर रहती थी। ऐसा लगता है मैं जिंदगी नहीं गुजार रही बल्कि जिंदगी मुझे गुजार रही। अब बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो आप कहें। बड़े मुसव्विर हैं, मैंने आपके काम की शोहरत सुनी है। मुझे आपसे अपनी एक तस्वीर बनवानी है, लेकिन ऐसी नहीं जैसी मैं अब हूं, वैसी जैसे आपने मुझे जंगल में रक्स करते देखा था तन्हा। मुझे वही तस्वीर चाहिए, शायद उस तस्वीर को देखकर वो मुझे माफ कर दे कि अब मैं उसे खुश नहीं रख सकती। शायद उन आंखों में फिर चमक आ जाए जो मेरे इर्द गिर्द हर वक्त पहरा देती रहती है।
मेरे ख्याल है सर हमें वो वाली पेंटिंग नहीं दिखाएंगे। बात करने में क्या हर्ज है? तुम बात करो। ठीक है। तस्वीर देखना चाह रहे थे। आओ। ये वही औरत है? हाँ, ये उसका माजी तो हो सकता है सर, लेकिन हाल नहीं। हसास लोगों के लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। वो अगर एक मरतबा इश्क करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसी कैफियत में जीते रहते हैं। ये एक हसास औरत है, एक हसास फनकारा, और उसका माजी उसके लम्हे मौजूद का हिस्सा बन चुका है। सर, आप इस औरत को कितने अरसे से जानते हैं? बड़ी हैरत अंगेज कहानी है सर। बहुत ज्यादा। शायद बाहर वो बूढ़ी औरत आई है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को चलना चाहिए। चलें इस तरफ से। चलिए। Yeah.
अच्छा हुआ आप आ गई। कैसी लगी आपको?